हेलो फ्रेंड, आरवी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पनीर और सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड, ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको सुबह शाम खाने में बना सकते हैं या बच्चों को टिफिन बॉक्स में फ्रेंड बनाकर इसको दे सकते हैं। ये फ्रेंड बहुत ही हेल्दी है और हल्का सा, और फ्रेंड हल्का भी होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, और खाने में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर हम लोग रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड रेसिपी बना, मैंने लिया है पनीर, साथ में फ्रेंड मैंने लिया है प्याज, जो फ्रेंड मैंने दो प्याज छोटे छोटे उसको स्लाइस में काट दिया है, एक शिमला मिर्च, सोयाबीन, फ्रेंड मैंने सोयाबीन को पानी भिगोया था उससे पानी निचोड़ लिया है, धनिया की पत्ती, दो हरी मिर्चा, एक चम्मच सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और नींबू का नींबू लिया है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग अपने सोयाबीन को फ्राई करेंगे। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। अब फ्रेंड हम इसमें डालेंगे सोयाबीन को, सोयाबीन को फ्राई करना है फ्रेंड। फ्रेंड सोयाबीन को फ्राई करना है, जब सोयाबीन फ्राई हो जाएगा तब हम निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो पनीर है फ्राई हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पास दिया। ये देखिए फ्रेंड पनीर को हल्का ही फ्राई करना है, अरे सॉरी सोयाबीन है फ्रेंड, सोयाबीन को हल्का ही फ्राई करना है। सोयाबीन हमारा फ्राई हो चुका है, अब फ्रेंड इसको निकालेंगे एक बर्तन में। इसको फ्रेंड ज़्यादा फ्राई मत करिएगा, तो कड़ा हो जाएगा। ये देखिए फिर हमारा जो सोयाबीन है फ्राई हो चुका है। फिर दोबारा मैंने उस कढ़ाई में फ्रेंड तेल डाला है सरसों का। अब इसमें डालेंगे जीरा तड़के के लिए। जब फ्रेंड जीरा हमारा लाल हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। फिर हमारा जीरा लाल हो गया, इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। फ्रेंड फ्रेंड प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। जब फ्रेंड प्याज हमारा हल्का भून जाएगा तो इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। फिर हमारा पनीर जो है, जो प्याज है हल्का सा भून जाएगा फ्रेंड, बस इसका कच्चा पन निकालना है। अब फ्रेंड इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, और फ्रेंड इसको भी हम लोग भूनेंगे। फिर इसको भूनना है, और फिर साथ में डालेंगे नमक ताकि हमारा जो शिमला मिर्च है पक जाए। फिर मैंने टेस्ट के अंदर डाला है नमक ताकि हमारा जो शिमला मिर्च है अच्छे से पक जाएगा, प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से गल जाएगा, और फिर हल्दी पाउडर। और फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए फिर मैंने प्याज, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर इसको हमें धीमी आँच पर, मीडियम फ्लेम पर मतलब, इसको ढक देंगे और ताकि हमारा जो प्याज और शिमला मिर्च है फिर अच्छे से पक जाए। हमारा शिमला मिर्च और प्याज देखिए पक चुका है, हल्का सा हल्का हल्का बस कच्चा है। अब फिर अब इसी टाइम हम डालेंगे हरी मिर्चे को और मसाले को। ये देखिए फिर हरा मिर्चा और मसाला है फ्रेंड, दोनों को मैंने एक ही मिक्स कर दिया था। और फिर हम डालेंगे इसी में पनीर और सोयाबीन को, जो मेरा सोयाबीन फ्रेंड फ्राई है उसको डालेंगे, और पनीर हमारा जो कच्चा है। ये देखिए फिर मैंने पनीर को डाल दिया उसमें। फिर मैंने मसाले में मैंने पनीर को डाल दिया, प्याज सोयाबीन को डाल दिया। अब हम फिर डालेंगे पनीर को, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सबको अच्छे से मिलाना है ताकि फिर जो हमारा पनीर और मसाला और सोयाबीन अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिलाना है इनको। ये देखिए फिर मैंने पनीर, सोयाबीन, मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब फिर इसको हम लोग 2 मिनट ढक देंगे ताकि जो हमारा मसाला है पनीर में और सोयाबीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर पनीर को फ्राई नहीं करना है, पनीर हमारा कच्चा है, सोयाबीन को बस फ्राई करना है। और फिर आपको शिमला मिर्च और प्याज को भी हल्का से भुनना है ताकि उसका कच्चा पन निकल जाए। अगर फिर आप ज़्यादा भूजेंगे तो प्याज और शिमला मिर्च का जो तत्व तो निकल जाएगा, खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और फिर इसको हम ढककर पकाएंगे। फ्रेंड आप इस सब्जी को बनाकर बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी होता है फ्रेंड। आप फ्रेंड चाहे तो इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में रोटी चपाती से, जैसे हम मॉर्निंग में बनाते हैं रोटी पराठा, उसके साथ आप इसको बनाकर खा सकते हैं। और फिर इसको हम ढककर पकाएंगे। फ्रेंड हमारा पनीर, मसाला, शिमला मिर्च, प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड। अब फ्रेंड हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जो मैंने नींबू उसको डालेंगे फ्रेंड। इसको भी फ्रेंड हम लोग अच्छे से मिला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड नींबू से क्या होगा ना, भुजिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, खाने में और खट्टा मीठा खट्टा खट्टा लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। नींबू से फ्रेंड ना खाने में खट्टा खट्टा लगेगा, खट्टा और चपटा लगेगा फ्रेंड। अपने इसको हम लोग अच्छे से मिलाते हैं इसको। फिर मैंने सबको अच्छे से मिला दिया। अभी मैं फ्रेंड आपको इसको प्लेट करके दिखाती हूँ। खाने में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है। सोयाबीन भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है फ्रेंड, और पनीर भी और शिमला मिर्च भी। तो फ्रेंड ये खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। अभी फ्रेंड मैं आपको इसी प्लेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ, चटपटा और हेल्दी हमारा पनीर और सोयाबीन की सब्जी फ्रेंड बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड सूखी सब्जी है और कम मसालों वाली फ्रेंड, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और हमारे हेल्थ के लिए फ्रेंड बहुत ही हेल्दी है। फ्रेंड आप लोग इसको बनाकर जरूर ट्राई करिए फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का थैंक यू।